हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं पवन राव, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एक नया टॉपिक सर्किल। अभी तक जो मैंने पढ़ाया क्या आप लोग वो समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो मैंने जैसा कहा कि मैं जब भी कुछ भी आप लोगों से पूछूं, आप लोगों का वहाँ से जवाब आना चाहिए कि हाँ सर समझ पा रहे हैं। तो आप लोगों को साथ साथ मेरे साथ बातें करनी है, जहाँ पर भी आप लोग बैठे हो आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँच जाएगी। मैं आप लोगों को अभी तक इस वीडियो तक पूरा ट्रायंगल पढ़ा चुका हूँ, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा चुका हूँ, और मैं आप लोगों को लाइन एंगल के बारे में और पॉलीगन्स के बारे में कंप्लीट समझा चुका हूँ। तो हम लोग आज की क्लास में शुरुआत कर रहे हैं सर्किल या वृत्त की। आज का जो पॉइंट होगा जैसा आप लोगों को पता है, इतने वीडियोस अगर आप लोगों ने मेरे देखे हैं तो आप लोगों को इतना पता होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका जो होता है वो ये होगा कि शुरुआत करता हूँ मैं एकदम बेसिक से। जितनी भी चीज़ें होंगी, जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता वो भी इस यूट्यूब चैनल को अगर देखेगा तो यहाँ से समझ जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम जीरो से, और मैं जो आपके मेंस के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनसे भी थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊँगा। यहाँ पर पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम आसान आसान चीज़ों से, और उसके बाद हम लोग उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एक बार कंप्लीट थ्योरी जैसे हो जाएगी। यहाँ इस थ्योरी को जो आज की क्लास में थ्योरी पढ़ाई है उसको समझाने के लिए मैं साथ आप लोगों को दो या तीन क्वेश्चंस करवाता हूँ, लेकिन आप लोग एक बार थ्योरी कंप्लीट पढ़ने के बाद एक साथ क्वेश्चंस और करेंगे ताकि आपका दिमाग ज़्यादा चलना शुरू होगा और ज्योमेट्री में आप लोग खुद देख पाओगे कि किस स्टैंडर्ड की थ्योरी पढ़ी है। आप लोगों ने पढ़ा मुझसे ट्रायंगल, ट्रायंगल को मैंने 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया था, आप लोगों ने खुद ने देखा, और फिर लास्ट में कुछ मिसलेनियस चीज़ें और बताई थी। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था। तो जो भी चीज़ें ऐसी ट्रिग्नोमेट्री भी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे, जिससे आपको सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आज की क्लास में मैं सर्किल जो पढ़ाऊंगा उसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आर्क से रिलेटेड जो अपने पास पॉइंट्स होंगे उनको समझाने की कोशिश करूंगा, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले सर्किल के बारे में हम लोग समझते हैं। एक पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पर, एक पॉइंट अपने पास, इससे सर्टेन डिस्टेंस पर पॉइंट्स का जो एक पथ होता है, एक जो लोकस होता है, यहाँ से एक पॉइंट है, इससे सर्टेन डिस्टेंस निश्चित दूरी पर जो पॉइंट्स का जो एक पथ होता है, एक जो लोकस होता है नज़दीक नज़दीक इस प्रकार से पॉइंट, उसको बोलते हैं सर्किल या वृत्त। ध्यान रखना ये इसका सेंटर है और ये इसकी सर्कमफ्रेंस है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी सर्कमफ्रेंस है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस अगर हो कभी भी तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, और सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक की जब डिस्टेंस होती है तो उसका नाम होता है कोर्ड या जीवा। सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक का जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोर्ड या जीवा, और सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक का भाग अगर कभी सेंटर से पास हो जाए, ऐसी कोई भी कोर्ड जो सेंटर से पास हो रही हो, तो उसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि एक बार आपको कुछ नहीं आता और धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे, जिनको थोड़ा बहुत आता है वो भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, तो इसके साथ कंटिन्यू रहना। मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलना है, लेकिन अगर एक बार ये थ्योरी आपने कंप्लीट देख ली तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं समझ पाओ। तो सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम लोग डायमीटर या व्यास बोलते हैं। ध्यान रखना डायमीटर या व्यास जो होता है एक सर्कल की सबसे बड़ी कोर्ड होती है। डायमीटर या व्यास जो होता है वो एक सर्कल की सबसे बड़ी कोर्ड होगी, और क्या हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ये तो डायमीटर है, देखो ये तो डायमीटर है, और इतना सा ये रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको जो अपने पास रेडियस है उसको क्या हाफ ऑफ डायमीटर भी बोल सकते हैं क्या? यहाँ तक मिला देंगे तो डायमीटर बन जाएगा, तो रेडियस को आप लोग हाफ ऑफ डायमीटर भी बोल सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आपने यहाँ से चलना शुरू किया और चलते हुए अगर वापस यहीं पर आ गए तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कमफ्रेंस या परिधि। यहाँ से चलना शुरू किया और वापस यहीं पर आ गए तो सर्कमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं, और सर्कमफ्रेंस या परिधि का एक छोटा सा भाग इस प्रकार से अगर हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्क या चाप। सर्कमफ्रेंस या परिधि का एक छोटा सा भाग इस प्रकार से अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्क या चाप। ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर ये जो अंदर वाला भाग है इसका, ये जो अंदर वाला भाग है इसका, इसको हम लोग कंप्लीट को, यहाँ जो अंदर वाला भाग है इसको तो हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल,
ये जो अंदर वाला भाग है इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं, लेकिन किसी भी सर्किल या कोर्ड का क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग, यहाँ से चलना शुरू किया वापस यहीं पर आ गए तो सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस के छोटे से भाग को तो आर क्या चाप बोलते हैं, लेकिन क्षेत्रफल का अगर एक कभी छोटा सा भाग हुआ इस प्रकार से तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये वाला जो भाग होगा क्षेत्रफल का एक छोटा सा जो भाग होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट या जीवाखंड। जीवा द्वारा बनाए तो जीवाखंड। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, यहाँ कोई भी जो जीवा होती है, कोई भी जो अपने पास कॉर्ड होती है वो इसको दो भागों में बांटती है, एक छोटे वाला भाग होता है और एक अपने पास बड़े वाला भाग होता है। ये नीचे वाला छोटे वाले भाग को हम लोग मानते हैं माइनर सेगमेंट, बड़े वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और ये अपने पास एक दूसरे के साथ अगर बोला जाए तो एक दूसरे के साथ हैं ये ऑल्टरनेट सेगमेंट या एकांतर खंड। छोटे वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, बड़े वाला जो भाग है इसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट, और एक दूसरे के साथ अगर बोला जाए तो ये है ऑल्टरनेट सेगमेंट। जैसे ये अपने पास है इसकी बात हो रही है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये है इसकी बात करें तो ऑल्टरनेट सेगमेंट। ऐसे ही इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से त्रिज्या द्वारा क्षेत्रफल, कंप्लीट को तो क्षेत्रफल बोलेंगे और उसका क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग इस प्रकार से अगर हो, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा काम में आएंगी जब आप लोग पढ़ोगे मेंचुरेशन उस टाइम, तो इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। जीवा द्वारा बनाए हैं तो जीवाखंड, सॉरी त्रिज्या द्वारा बनाए हैं तो त्रिज्याखंड हिंदी में। कभी कभार अपने पास ओनली खंड ही नाम आ जाता है कि वृत्त का खंड, तो वृत्त का खंड ये भी वृत्त का खंड ही है और ये भी वृत्त का खंड ही है। ध्यान रखना आप लोग, दोनों वृत्त के खंड ही हैं। ये भी अपने पास इस प्रकार से आ जाए कभी भी तो ये भी वृत्त का एक खंड ही है, ऐसे भी हो सकता है। तो फिर हमें देखना है, वृत्त खंड अगर नाम कभी आ गया तो फिर हम लोगों को खुद को चेक करना है, वहाँ पर देखना है कि इसकी बात हो रही है या इसकी बात हो रही है। हिंदी में कभी कभार ओनली वृत्त खंड भी नाम आ जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने आप लोगों के इसके बेसिक्स क्लियर करने के लिए कुछ पॉइंट बताए, अब हम लोग समझते हैं इसकी ज्योमेट्री के बारे में। और ज्योमेट्री में मैं आपको दो या तीन थ्योरम बताकर उन पर बेस दो तीन क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो और अच्छे से सॉल्व हो। आइए थ्योरी समझते हैं। ये बेसिक चीजें जो आप लोगों को या तो पता होंगी या पता होनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और मैं पूरा बेसिक इसका समझाऊंगा। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। जितनी भी चीजें हो सकती हैं सर्किल में, जैसा आपने ट्रायंगल में देखा जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़ाई, ऐसी जितने भी पॉइंट्स अपने पास सर्किल में होंगे कंप्लीट थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ, तो ध्यान देना बोर्ड पर। इस प्रकार से अपने पास कोई भी सर्किल अगर है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान रखना किसी भी आर्क द्वारा, कोई भी चाप द्वारा, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से हमेशा डबल होगा। किस पहला पॉइंट शुरुआत कर रहे हैं सर्किल की, और पहला पॉइंट किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होगा। जो भी लाइन में बोलते जा रहा हूँ वीडियो पॉज करके आप लोगों के हाथ में, मैंने कहा है एक में आपके पास नोटबुक होनी चाहिए और दूसरे में आपके पास वीडियो चलता रहना चाहिए। जैसे आप लोग वीडियो चल रहे हैं साथ साथ लिखते चलो, वीडियो बंद करो, ओनली अपने पास नोटबुक ही, उसके बाद आपको हमेशा ध्यान रहेगी। क्योंकि इस वीडियो को देखने में अगर आपको आधा घंटा लगता है और एक बार अगर उसको नोटबुक में वापस देखोगे तो फिर आधा घंटा लगेगा, नोटबुक में अगर लिख लिया तो फिर 5 या 7 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, ध्यान देना। मैंने क्या कहा, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर शेष परिधि पर बने कोण से दो गुना होता है, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कोई भी आर्क है, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल जो होगा वो रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से हमेशा डबल होगा। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, अगर अपने पास ये वाला कोण 2 थीटा है तो ध्यान रखना इधर जो कोण बनेगा अपने पास वो अपने पास बनेगा थीटा। ऐसा क्यों, सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल क्यों होता है वो चीज़ मैं समझाता हूँ। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता होगा, मैं हमेशा और हमेशा आप लोगों को हर चीज़ का क्यों बताता हूँ। अगर आपका बेसिक क्लियर हुआ तो आपको मैथ्स में इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्वेश्चंस अपने आप सोल्व होंगे। देखिए सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल से डबल क्यों हुआ मैं समझाता हूँ। याद रखना ये ओ से ए तक
ओ से बी तक और ओ से सी तक एक सर्कल की सभी रेडियस हमेशा बराबर होती हैं, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं जो होंगी वो हमेशा बराबर होंगी, एक सर्कल की सभी रेडियस इक्वल होती हैं, तो इसके सामने का एंगल एक और ट्रायंगल में आपको याद होगा यदि दो साइड बराबर हैं तो उसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये इक्वल होना है। ऐसे ही एक ट्रायंगल की दो साइड अगर इक्वल है, इधर भी रेडियस हैं, ओ बी बराबर ओ सी क्योंकि रेडियस हैं, तो इसके सामने का एंगल, ये वाला एंगल अगर वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई होगा। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, मुझे बताइए एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बाह्य कोण जो होता है, वो क्या अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है क्या? तो ये वाला जो बाह्य कोण, ये पॉइंट देखने से पहले अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इससे जस्ट पहले जो अपने पास वीडियो बनाया मैंने ट्रायंगल के, वो सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि सर्कल में जो कुछ भी प्रूव होगा वो ट्रायंगल से प्रूव होगा, जो भी कुछ प्रूव करना है वो ट्रायंगल से प्रूव होगा। तो ये ध्यान रखना, ये अपने पास वाई और वाई है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर, ये अपने पास हो गया टू वाई, और ये अपने पास एंगल एक्स और एक्स है, तो ये वाला जो एंगल हुआ अपने पास, ये वाला एंगल ये इंटीरियर अपोजिट के बराबर, तो ये वाला हुआ टू एक्स। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये C पर बना एंगल x और y को ऐड कर दें तो यहाँ पर बना एंगल ये तो है x प्लस वाई, और यहाँ पर बना एंगल ये वाला जो है 2x और 2y, 2 कॉमन ले लें तो ये एंगल हो गया 2x प्लस वाई, और मुझे बताइए ये x प्लस वाई, ये 2x प्लस वाई क्या डबल हो गया क्या? मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इस आर को छोड़कर रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने वो हमेशा डबल होता है, और एक बार ध्यान देना सभी लोग बोर्ड पर, इस प्रकार से किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। यहाँ पर जैसे ही मैं एक बार ये वाला पॉइंट समझा देता हूँ, मैं बोलता हूँ इस आर्क को छोड़कर इस पर बना एंगल भी क्या होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, सिस्टमेटिक पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे नहीं कुछ भी आ गया वो बता दिया, थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। तो रिमेनिंग आर्क यहाँ पर बना एंगल अगर कभी पूछे तो वो भी थीटा होगा। एक को मैं प्रूव कर देता हूँ, और क्लास में जब हम लोग अपनी क्लासेज में पूछते हैं चीज़ किसको प्रूव करिए, तो 99% स्टूडेंट नहीं प्रूव कर सकते, कि होता तो है उनको याद है लेकिन टू थीटा है तो ये थीटा कैसे होगा। वीडियो पॉज कीजिए, जब भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये कैसे होगा तो अपना वीडियो पॉज करो और उसको समझने की और उसको करने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पर करने की कोशिश करो, यहाँ तो मैं समझा देता हूँ लेकिन कुछ भी मैं आप लोगों से पूछूँ तो वीडियो पॉज किया करो और उसको समझा करो। पहला पॉइंट मैंने समझाया, दूसरा जो पॉइंट है अपने पास ये देखिए, इस प्रकार से इसको कैसे करोगे आप लोग मैं समझाता हूँ, आप लोग टू थीटा कैसे आए ये देखिए, किसी भी आर्क द्वारा ये यहाँ से यहाँ तक कोई भी आर्क है, ये वाला कोण अगर टू थीटा है तो ये वाला कोण थीटा कैसे होगा, ये सेंटर मान लो, और ये वाला कोण थीटा कैसे होगा ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे आप लोग, एक काम कीजिए, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी, और यहाँ से मिला दीजिए। मुझे बताओ क्या ओ सी, ओ ए और ओ बी बराबर होंगे क्या? ए की रेड सर्कल की रेडियस हमेशा बराबर होती हैं, तो इसके सामने का ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हैं तो इसके सामने का ये वाला एंगल अगर एक्स है तो इसके सामने का ये वाला एंगल भी एक्स होगा। जो भी प्रॉब्लम हमारी क्लासेज में आती हैं, जब स्टूडेंट्स से हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और जो नहीं कर पाते वो सारे क्वेश्चंस मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बताने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं। तो ये अगर अपने पास एक्स है तो ये भी अपने पास एक्स होगा, और ये वाला कोण आप लोग मान लीजिए थीटा है, एक बार मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, तो मुझे बताओ ओ से बी के सामने एक्स प्लस थीटा है तो ओ से सी के सामने, एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये भी होगा अपने पास थीटा प्लस एक्स। और इस पॉइंट को एक बार आप लोग पी मान लीजिए, मुझे बताओ पी पर बना ये जो कोण है, पी पर बना ये जो कोण है वो मुझे बताइए क्या सम इन दोनों के योग के बराबर होगा क्या? बाह्य कोण हमेशा अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो क्या ये वाला जो एंगल है वो 2 थीटा प्लस एक्स होगा क्या? एक्सटीरियर एंगल बहुत बार समझा चुका हूँ, पी सी बी में एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा या नहीं होगा? ये थीटा है, ये थीटा है, ये एक्स है, तो ये 2 थीटा प्लस एक्स है। और इस वाले एंगल को एक बार समझने के लिए आप लोग वाई मान लीजिए और मुझे बताइए इस ट्रायंगल पी ओ ए में फिर से एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा? तो मुझे बताइए एक्स प्लस वाई, यहाँ से
एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अक्स प्लस वाई बराबर होगा किसके, टू थीटा प्लस एक्स के बराबर होगा। यहाँ से अक्स एक्स कट जाएगा और मुझे बताइए वाई का मान क्या टू थीटा के बराबर आ गया है क्या। यही हमें प्रूव करना था कि ये कोण थीटा है तो ये वाई का मान टू थीटा आ गया, या ये टू थीटा है तो ये थीटा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने उनसे हमेशा डबल होता है। पहला पॉइंट किसी भी आर्क द्वारा, और दोनों कंडीशन में मैंने समझा दिया इस पर बना एंगल क्या होगा तो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन दोनों कंडीशन मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। आगे चलते हैं, मैं सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करते चलूँगा, सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ में जोड़ते हुए चलूँगा। तो ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया, जब भी मैं वापस बोलूँगा मतलब एक दूसरे से हम लोग रिलेट करेंगे तो थोड़ा सा समझना आप लोग। यहाँ से इस प्रकार से ये अपने पास कोई भी आर्क है ए से बी तक, उसी चीज़ को मैं वापस बता रहा हूँ, इसका मतलब एक दूसरे से मैं रिलेट करूँगा तो कोशिश करना समझने की। ए बी इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर टू थीटा है तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने, सेम आर्क द्वारा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर वो हमेशा इससे आधा होगा। ये टू थीटा है तो ये अपने पास होगा थीटा, ये अगर टू थीटा है तो ये अपने पास होने वाला है थीटा। रिमेनिंग पर कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा। और एक बार समझाने के लिए मैं इसको बीच से हटा दूं, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल हमेशा बराबर होते हैं? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं तो बैठे क्यों, लिखो। एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। ध्यान रखना एसएससी जैसे टेंथ की बुक में लिखा हुआ है वैसे क्वेश्चंस नहीं देता आजकल, उनसे जस्ट उल्टे क्वेश्चन देता है। दूसरा पॉइंट, एक ही आर्क, पहला पॉइंट मैं बता चुका हूँ, दूसरा पॉइंट, एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, याद रखना ये वाला पॉइंट, ऐसे ध्यान रखना, अगर ए बी कोई भी लाइन सेगमेंट है, ए बी कोई भी लाइन सेगमेंट अगर है तो ध्यान रखना इसके ए की तरफ बने कोण अगर अपने पास सी और डी बराबर हैं, सी और डी पर बने कोण अगर बराबर हैं इसका मतलब ये सभी पॉइंट एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर होंगे। उल्टा याद रखना, अगर एक लाइन सेगमेंट के ए की तरफ बने कोण अगर बराबर हो, और इस पर बेस्ड काफ़ी अच्छे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा भी और थ्योरी के टाइम में बता देता हूँ, अगर सभी बराबर हैं तो ऐसा कोई सर्कल खींच पाना संभव है जो इसके सभी वर्टिसेज को टच करेगा, ए बी सी डी ई सभी को टच करेगा। एक लाइन सेगमेंट के ए की तरफ बने कोण अगर बराबर हैं इसका मतलब सभी पॉइंट सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर होंगे। इसी का उल्टा है, अगर ए के आर्क द्वारा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने कोण हैं तो वो सभी बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट, आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट मैं फिर समझाता हूँ, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। कोशिश करना समझने की। नेक्स्ट पॉइंट मैं फिर समझा रहा हूँ, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है, ये अगर टू थीटा है तो ये अपने पास होगा थीटा। किसी भी चाप द्वारा अपने पास सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होगा। और मुझे बताइए अगर ऐसी चाप अगर हम लोग ले लें कि ये सेमी सर्कल बन जाए, इतनी बड़ी चाप ले लें कि ये सेमी सर्कल बन जाए तो ये अपने पास होगा डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन अगर है तो ये 180 डिग्री है, और ये 180 डिग्री अगर है तो मुझे बताइए व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, ये 180 डिग्री है इस आर्क द्वारा, सेंटर पर बना एंगल 180 है तो फिर सर्कमफ्रेंस पर, मैं शुरुआत से आप लोगों को सिखाते हुए आ रहा हूँ कि आधा होगा, तो क्या ये वाला जो कोण है अपने पास ये 180 है तो क्या 90 हो गया क्या? तो तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल ऑलवेज राइट एंगल होगा। व्यास द्वारा, दोनों लैंग्वेज में हम लोग लेकर चलते हैं क्वेश्चंस को ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और सभी स्टूडेंट समझ पाओ, तो हिंदी और इंग्लिश की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी एंगल बने वो हमेशा राइट एंगल होगा। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा राइट एंगल होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल ऑलवेज राइट एंगल होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, ये जो तीसरा पॉइंट है इसके लिए मैं आपको ट्रायंगल में पहले भी समझा चुका हूँ
ये जो थर्ड पॉइंट है व्यास द्वारा परिधि पर कहीं भी कोण बने वो समकोण होगा। ये चीज़ें मैं ट्रायंगल में आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ, याद रखना। मैंने ऐसे बताया था कि यहाँ पर ये डायग्राम तो ऐसे है कि डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होगा। क्या मैंने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाते टाइम ऐसा बताया था क्या? अगर आपको याद हो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाते टाइम ऐसा मैंने बताया होगा कि इस प्रकार से अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो सर्कम सेंटर हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तीनों हमेशा इक्वल होंगे। तो रेडियस होने के कारण बराबर, ये राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। और इस पर बेस्ड काफ़ी सारे, अगर मेरी वो वीडियोज़ आपने देखी हैं तो इस पर बेस्ड मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे, उसको आप लोग एक बार वहाँ पर देख लेना कि एसएससी किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, वो वहाँ पर मैंने समझाया था। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कोई भी, समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, बी ए को आगे बढ़ाया डी तक जो इनके बराबर है, तो सी पर बना एंगल बताओ। तो ये तीनों अगर बराबर हो गए, ये और ये तीनों अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ये तीनों बराबर हो गए, तो यहाँ पर बना एंगल हमेशा कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ऐसे छोटे छोटे और आसान आसान क्वेश्चंस एसएससी पूछता है। तो मैंने तीन पॉइंट आप लोगों को समझाए, जब भी मैं इसको मिटाऊंगा तब तक हम लोग, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, तो आपके याद रहे कि ए की आर्क द्वारा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होते हैं, सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है, और डायमीटर द्वारा व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। ये तीन पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। देखिए इन पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, करने की कोशिश करना पहले खुद, उसके बाद मैं आप लोगों को करवाऊँगा। इस प्रकार से है, दो सर्किल जो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन कोशिश करना करने की। दो सर्किल हैं जो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ये और ये दो सर्किल जो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, यहाँ से एक लाइन खींची, ये मान लो एक दूसरे को कर रहे हैं ए तथा बी पर इंटरसेक्ट, बी से एक लाइन खींची जो पहले वाले सर्किल को तो काट रहा है मान लो सी पर, और दूसरे को काट रहा है मान लीजिए डी पर। C से D की लेंथ ऑफ CD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DAC, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DAC। मैं एक बार फिर बोलता हूँ क्वेश्चन ध्यान से सुनना आप लोग। दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, इसका सेंटर ये मान लो यहाँ पर है O1 और इसका सेंटर ये मान लो O2। दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, पहली बात, एक दूसरे को ए तथा बी पर इंटरसेक्ट करते हैं, बी से खींची गई एक लाइन जो पहले को काट रही है सी पर और दूसरे को काट रही है डी पर, डायग्राम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सी से डी तक की वैल्यू अगर 8 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DAC। हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DAC। वीडियो पॉज कीजिए और करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और जो तीन पॉइंट मैंने अभी भी आप लोगों को समझाए हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए, मैं समझाता हूँ। देखिए कोशिश करना, सभी लोग ध्यान देना, कोशिश करना समझने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन और आप लोग समझ जाओगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो। इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दो, रेडियस है, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। आपको समझाने के लिए मैं एक दूसरे वाला जो ये है, ताकि आपको सही और ज़्यादा समझ में आए, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये दूसरा जो सर्किल है वो एक बार मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ ताकि आपको सही और अच्छे से समझ में आए। देखना क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझ गए तो आधे सेकंड का भी नहीं है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। ये मैंने ग्रीन से दिखाया है पहला,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास इसकी रेडियस है। ये ब्लैक वाला जो यहाँ से यहाँ तक, जिसको मैं रेड में ही दिखा रहा हूँ, इसका सेंटर ब्लैक वाले का सेंटर O1 है और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो भी अपने पास R होगी। और ग्रीन वाले की रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ग्रीन का सेंटर ये है O2 और यहाँ से यहाँ तक ग्रीन की जो रेडियस होगी वो भी R होगी, क्योंकि एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। तो ये भी R, ये भी R, तो ये भी R, 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 यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री। जब ऐसे ही बी पॉइंट को भी आप लोग मिलाओगे, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछा है जो मैं आपको मेंचुरेशन में पढ़ाऊंगा, ये मेंचुरेशन का पार्ट में पढ़ाऊंगा, तो ये वाला कोण अगर 60 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा। देखो अब कोशिश करना आप लोग सभी लोग समझने की, सभी लोग ध्यान दीजिए, मुझे ये बताइए इस ग्रीन वाला जो ये अपने पास सर्किल है, ये ग्रीन वाला जो सर्किल है अपने पास, ये वाला ग्रीन वाले सर्किल में ये वाला कोण यहाँ पर इस आर्क द्वारा बनाया एंगल अगर 120 डिग्री है, तो सेम आर्क द्वारा अपने पास सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल, ये अगर ग्रीन पर 120 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा यहाँ पर बना एंगल, ये भी क्या 120 होगा क्या? ध्यान देना, इस आर्क द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझ पाए तो इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 120 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा मुझे ये बताइए बना एंगल क्या यहाँ भी 120 डिग्री होगा क्या? हाँ ना, कुछ तो बताओ। ये अपने पास 120 डिग्री, अगर अपने पास ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा, और ये 120 डिग्री है तो ऊपर वाला ये क्या 60 डिग्री होना है क्या? ऐसे ही अब आप लोग अगर ब्लैक वाले की मैं बात करूं, ब्लैक वाला जो अपने पास ये है यहाँ से यहाँ तक, ब्लैक वाले की अगर हम बात करें, ब्लैक वाले का सेंटर ये अपने पास है, ग्रीन वाले की तो सर्कमफ्रेंस की बात की, सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल ये अगर है तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल ये भी अपने पास उतना ही होगा, और इधर वाला ये अगर 120 हुआ तो ये इधर वाला अपने पास होगा 60 डिग्री। और ऐसे ही अगर मैं ब्लैक वाले की बात करूं, सेंटर पर बना एंगल ये अगर 120 डिग्री है तो सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल इधर जो होगा वो आधा हो जाएगा क्या? 60 डिग्री हो जाएगा क्या? ये 60 है, ये 60 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल भी 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड अगर आपको दी हुई है तो एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, √3/4 * साइड स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर देंगे, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे ये एरिया जो मैं ये जो पढ़ाऊंगा वो तो मेंचुरेशन में मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा काम यहाँ पर ये नहीं है कि ये कैसे आया, एरिया का फॉर्मूला कैसे आया, मेरा काम था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बना वो आप लोगों को समझाने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो मार्कर तीन मार्कर से मैंने इसीलिए समझाया ताकि आपको थोड़ा सा सही समझ में आए, और आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए तो दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार देखने की कोशिश करो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और आप लोग उस चीज़ को अच्छे से भी समझ पाओगे और ये चीजें याद रहेंगी। अगर ये क्वेश्चंस कर लेते हो ना आप, तो ये चीजें याद रहेंगी कि सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल से डबल होता है, और एक ही आर्क द्वारा परिधि पर बना कोण, तो यहां पर एक अपने पास ये 60, ये 60 दोनों तरफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। ग्रीन वाले की अगर मैं बात करूं एक बार, इसको मिटाकर, जैसे इसको मिटा दिया जाए, ब्लैक वाले को मिटा ही दूं इधर से, ध्यान देना ये 120 कैसे है। सिर्फ मैं ग्रीन वाले की बात करूं तो ग्रीन वाले के द्वारा यहां पर बना एंगल 120, तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर यहां पर भी 120, आगे बढ़ाया ये 120 तो ये 60। अब ब्लैक वाले की अगर बात की जाए ग्रीन वाले को मिटाकर, तो ये 160 अगर 120 अगर है, सेंटर पर बना एंगल 120 अगर है ब्लैक वाले के द्वारा यहां से यहां तक, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल 120, तो सेम आर्क द्वारा, उसी आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल आधा और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। दो तीन बार देखो और करने की कोशिश करो आप लोग। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो। इस प्रकार से अपने पास कोई भी क्वेश्चन है ध्यान देना, एक सर्किल है और कोशिश करना सभी लोग समझने की। पहले मैं क्वेश्चन देता हूं और जब भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए उसको मैंने कहा है हमेशा करने की कोशिश क्या करो, ये ए है, ये बी है, ये अपने पास इस प्रकार से है ए बी और सी, ये इसका सेंटर है ओ, ये यहां से इसको मिलाया
और ये अपने पास डी भी मिलाया गया, डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डी ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा दिया हुआ है इसने, ठीक है। ये बी इस प्रकार से इसने कहा है, जो गिवन है वो मैं आपके लिए लिखता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी बराबर दिया हुआ है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल बी सी ओ इक्वल्स टू 20 डिग्री एंड एंगल ओ सी डी इक्वल्स टू 20 डिग्री, देन फाइंड द एंगल ओ डी सी क्या होगा। और ऑप्शन भी आपके लिए हैं, ऑप्शन है अपने पास 80 डिग्री, बी ऑप्शन है अपने पास 60 डिग्री और सी ऑप्शन है 100 डिग्री और डी ऑप्शन है 70 डिग्री। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने पास है और जैसे ही ये क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूँ, पहले आप लोग करने की कोशिश करो, जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दूँ उसको करने की कोशिश किया करो, वीडियो को पॉज करो, क्योंकि यहाँ पर अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको छोड़ दूँ कि चलो सोल्व करो फिर मैं करवाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को जब भी कोई भी क्वेश्चन मैं आपको दूँ तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में उसको करने की कोशिश किया करो। अगर वो क्वेश्चन आपसे होता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो और यहाँ समझोगे तो फिर आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जब भी मैं बोलूँ करो तो आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ तो अपने पास एंगल ए बी सी ये वाला एंगल 30 डिग्री, स्टूडेंट करता क्या है ये एंगल 30 डिग्री और यहां पर ये अपने पास दिया हुआ है बी सी ओ, ये दिया हुआ है बी सी ओ 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री दिया हुआ है और ओ सी डी ये भी अपने पास 20 है, तो दोनों बराबर हैं, तो ये 20 तो ये भी 20 इसने क्वेश्चन में दे भी दिया, 20 और 20 दिया हुआ है। देन हमें एंगल ओ डी सी पूछा है, ओ डी सी पूछा है, स्टूडेंट के याद रहता है कि सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल से डबल, ये 30 है तो ये अपने पास 60 होगा, ये 60 ये 20, तो तीसरा जो एंगल बच गया 80 हो गया, तीसरा एंगल 100 डिग्री और इसको टिक कर देते हैं। 90% स्टूडेंट्स और जहां पर आप लोग बैठे हो आप लोगों ने भी ये चीज़ टिक की होगी कि आंसर 100 डिग्री, लेकिन ध्यान रखना सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर, तो ये तो ओ से आ रहा है, यहाँ से अगर आप लोग मिलाओगे इसको, इस प्रकार से अगर इसको मिलाओगे, यहाँ से इसको मिलाओगे ना जब आप लोग, तो ये वाला एंगल होगा आपका 60 डिग्री, ये चीज़ ध्यान रखना, वो वाला एंगल डी ओ सी 60 नहीं होगा, सर्कमफ्रेंस से आना चाहिए ए ओ सी 60 डिग्री होगा, ये वाला जो एंगल यहाँ पर आपके पास है ये वाला कोण 60 डिग्री होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कैसे करें, अब ये वाला 60 होगा, जब ये वाला पूरा 60 था तब तो क्वेश्चन आधे सेकंड का भी नहीं था, लेकिन आधे सेकंड में कर लिया तो क्वेश्चन गलत हो गया। अब ये 60 होगा तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, हम लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको इससे मिला देंगे, क्वेश्चन कोशिश करना समझने की, इसको हम लोग इससे मिला देंगे तो ध्यान देना अपने पास O से A तक और O से C तक बराबर होगा। O से A तक और O से C तक बराबर क्यों होगा, क्योंकि रेडियस है और ए ओ सी ट्रायंगल में ये वाला कोण अगर 60 डिग्री है, ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो बचे हुए दोनों एंगल 120 और दोनों बराबर बराबर होंगे। ट्रायंगल इससे पहले ट्रायंगल कंप्लीट देखना आप लोग, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। तो इसके सामने का एंगल ये अगर 60 डिग्री अपने पास है तो ये अपने पास ये वाला कोण भी कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। एक ट्रायंगल 60, 60 और 60 तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये और ये तीसरा भी यहाँ पर ये भी बराबर आ गया है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला एंगल 60 है, ये 20 और ये 20, तो ये हो गया अपने पास 40 डिग्री, 60, 20, 20, 40, 60 और 40, 100, ये हो गया 30 अपने पास 60, ये कंप्लीट एंगल, ये बराबर है कंप्लीट एंगल 60, ये अपने पास कंप्लीट, ये देखो ओ ए सी अगर बराबर है तो कंप्लीट 60 डिग्री होगा, इधर वाला अगर 20 है ये कंप्लीट यहाँ तक 60 डिग्री होगा, कंप्लीट अगर 20 है तो ये अपने पास इधर वाला जो बचेगा ये ओनली कितने डिग्री का बचेगा, 40 डिग्री का बचेगा, क्योंकि ये ओ सी और ओ ए बराबर है, तो इसके कंप्लीट के सामने पूरा 60 है, अकेला ये नहीं पूरा 60 है, तो ये 20 है तो ये 40, तो 40 और 40 80 और 30 अपने पास 110 और ये 60 डिग्री अगर है तो 160, तो ये ऊपर वाला जो बचा क्या ये अपने पास 10 डिग्री बचा क्या, हाँ ना, 10 डिग्री कैसे आया समझ पाए क्या, तो ये अपने पास 60 है, ये 10 है और इस ट्रायंगल की मैं बात करूँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 60 और 10 70 और 40 110 हो गया, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी अपने पास 70 डिग्री होगा, ट्रायंगल में तीसरा एंगल ए डी सी की बात कर रहा हूँ,
40 है और ये अपने पास 70 है तो 70, ये भी 70 होगा क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 170। और मुझे बताइए ये भी 70 है और ये भी 70, तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये बराबर होगी क्या? अब अपने पास एक ट्रायंगल बन गया DCO, अलग से मैं बनाता हूं उसको, एक ट्रायंगल बन गया DOC, इस प्रकार से बन गया DOC और ये दोनों बराबर हैं, O से D तक, ये और ये पहले बराबर आई और ये इसके बराबर, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R के बराबर आ गए, तो ये भी R और ये भी R इक्वल आ गई। और ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ODC का, ओ अपने पास ये वाला एंगल ओ मान लो, ओ डी सी का ये वाला जो एंगल दिया हुआ है हम लोगों को, ये दिया हुआ है 20 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओ सी डी का ये वाला एंगल 20 डिग्री और एक ट्रायंगल के दो एंगल, एक एंगल दिया हुआ है और दो साइड अगर इक्वल हैं तो ये वाला कोण भी 80 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी 80 डिग्री होगा क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180, 20 है तो 160 बचा और दोनों तरफ बराबर बराबर, तो अपना आंसर 80 डिग्री होगा, 100 डिग्री नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, अगर आप लोगों ने इस पे दिमाग लगाया करने की कोशिश की तो सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये अपने पास इस प्रकार से है, ए बी सी ट्रायंगल, ये 30 डिग्री, ये 20 और ये 20 दिया हुआ है, तो ये 30 अगर है तो ध्यान रखना है पूरा डी ओ सी 60 नहीं होगा, इसको यहाँ से मिला दिया हम लोगों ने, ए ओ सी जो होगा ये अपने पास 60 डिग्री होगा, ये 60 हो गया अपने पास और ये दोनों बराबर हैं, ओ से ए बराबर है ओ से सी, तो 60 होते ही दोनों अगर बराबर हैं तो 120 बचा क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये भी 60 और ये 60, 60 में 20 है तो ये 40। अब ध्यान दो, ये पूरा एंगल अपने पास आ गया, ये पूरा एंगल अपने पास है तो ये कंप्लीट एंगल, ट्रायंगल का एंगल निकाल सकते हैं 70, ये 70 है, ये 40 है, तो इस ट्रायंगल ए डी सी में हम लोग तीसरा एंगल 70, 70 होते ये दोनों भी बराबर। अब इस ट्रायंगल में ओ सी डी में ये और ये दोनों बराबर हैं, ये ब्लैक वाली यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक बराबर हैं और ट्रायंगल के दो साइड तो बराबर हैं और एक कोण अगर 20 डिग्री है तो बचे हुए दोनों एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, ये भी और ये भी, तो ये भी 80 डिग्री होगा और ये भी 80 डिग्री होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना जिससे अपने पास जो पहले वाले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, पहले जो तीन पॉइंट बताए थे, ये दोनों क्वेश्चन अगर आपने दो तीन चार बार में अगर समझ लिए तो आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, ध्यान देना बोर्ड पर, आसान सा क्वेश्चन मैं फिर से करवाता हूँ। ये दो तीन क्वेश्चन ध्यान देना, थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं कंप्लीट क्वेश्चंस तो आप लोगों को करवाऊंगा ही करवाऊंगा, जो एसएससी पूछता है या एसएससी के ऊपर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, कैट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, लेकिन इनके साथ साथ ये दो तीन क्वेश्चंस अगर आप लोग सोल्व करते हो इससे थ्योरी आपकी स्ट्रांग होगी। ऐसा कभी मत करना कि आप लोग एक थ्योरी पढ़ी और उस पर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस आपने कर डाले, नहीं, क्वेश्चंस आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ने के बाद सभी क्वेश्चंस आपको एक साथ करने हैं, अगर अलग अलग क्वेश्चंस करोगे आप लोग तो फिर थ्योरी आप लोगों की अच्छे से क्लियर नहीं होगी। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही थ्योरी पढ़ो दो तीन क्वेश्चन कर लो ताकि वो पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा सेट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट पढ़ने के बाद उस पर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए और फिर उसको कभी आप लोग देखो ही नहीं। तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं कंप्लीट, उसको सोल्व करने के लिए एक दो साथ क्वेश्चंस करवाते चलूंगा, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इस बोर्ड पर करेंगे। देखो क्या आप लोग ये चीज़ें समझ पा रहे हो क्या, ये मुझे जब भी मैं आप लोगों से पूछूं समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो तो आप लोग मेरे साथ बोला करो ताकि आप लोगों को ये चीज़ें सही समझ में आएंगी जब भी आप लोग देखते हो। इस पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ये तो सिर्फ हम लोगों ने क्वेश्चंस की शुरुआत की है, एक आसान सा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। इस प्रकार से अपने पास दिया हुआ है और ई एंगल हम लोगों से, ये अपने पास एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री और ये दोनों पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के और ई पर बना एंगल पूछा है, ये पॉइंट बाहर ई है और यहां पर बना एंगल पूछा है। एकदम आसान क्वेश्चन है, सभी लोग कोशिश करना समझने की। मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोल देता हूं, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी पैरेलल हैं और सी डी इसका डायमीटर भी है, सी डी डायमीटर है, ए बी पैरेलल है, ये वाला क्वेश्चन 25 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। मुझे बताइए दो लाइन अगर पैरेलल हो, ये चीज़ मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ, दो लाइन अगर पैरेलल हो तो मुझे बताइए ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं क्या? पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ, दो लाइन पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, तो ये अगर 25 है तो ये भी कितना होगा,
इस आर्क द्वारा, ध्यान देना, इस आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल 25 है, तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल, सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल क्या 50 होगा क्या? इस आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल, इस चाप द्वारा परिधि पर बना कोण 25 है, तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल क्या 50 होगा क्या? और 50 और 50 ये 100 हुआ, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा? 80 डिग्री। और ये 80 डिग्री है सेंटर पर बना एंगल, तो सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल क्या 40 डिग्री होगा क्या? इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 80 डिग्री है तो क्या परिधि पर बना कोण आधा होता है 40 डिग्री? ये अपना आंसर है। आसान क्वेश्चन, ये 25 है तो ये 25 होगा अल्टरनेट एंगल, इस आर्क द्वारा 25 तो सेंटर पर 50, 25 तो सेंटर पर 50, स्ट्रेट लाइन 180, ये 100 है तो 80 और 80 है तो ये 40। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को आप लोग अगर कम समझ में आया है या अच्छे से समझ में आ गया तो अच्छी बातें हैं। ये कोई क्वेश्चन अगर कम समझ में आए तो दो या तीन बार कर आप लोग इसको वापस समझिए, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो अगले लेसन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, थैंक यू। से क्लियर नहीं होगी तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही थ्योरी पढ़ो दो तीन क्वेश्चन कर लो ताकि वो पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा सेट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट पढ़ने के बाद उस पर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए और फिर उसको कभी आप लोग देखो ही नहीं। तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं कंप्लीट, उसको सोल्व करने के लिए एक दो सात क्वेश्चंस करवाते चलूंगा। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इस बोर्ड पर करेंगे। देखो क्या आप लोग ये चीजें समझ पा रहे हो क्या? ये मुझे जब भी मैं आप लोगों से पूछूं समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो तो आप लोग मेरे साथ बोला करो ताकि आप लोगों को ये चीज़ें सही समझ में आएंगी जब भी आप लोग देखते हो। इस पर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ये तो सिर्फ हम लोगों ने क्वेश्चंस की शुरुआत की है। एक आसान सा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, इस प्रकार से अपने पास दिया हुआ है और ई एंगल हम लोगों से, ये अपने पास एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री और ये दोनों पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के और ई पर बना एंगल पूछा है। ये पॉइंट बाहर ई है और यहां पर बना एंगल पूछा है। एकदम आसान क्वेश्चन है, सभी लोग कोशिश करना समझने की। मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोल देता हूं, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी पैरेलल हैं और सी डी इसका डायमीटर भी है, सी डी डायमीटर है, ए बी पैरेलल है। ये वाला क्वेश्चन 25 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। मुझे बताइए दो लाइन अगर पैरेलल हो, ये चीज़ मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ, दो लाइन अगर पैरेलल हो तो मुझे बताइए अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं क्या? पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ, दो लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। तो ये अगर 25 है तो ये भी कितना होगा? इस आर्क द्वारा, ध्यान देना, इस आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल 25 है तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल, सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल क्या 50 होगा क्या? इस आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल, इस चाप द्वारा परिधि पर बना कोण 25 है तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल क्या 50 होगा क्या? और 50 और 50 ये 100 हुआ तो ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा? 80 डिग्री। और ये 80 डिग्री है सेंटर पर बना एंगल, तो सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल क्या 40 डिग्री होगा क्या? इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 80 डिग्री है तो क्या परिधि पर बना कोण आधा होता है 40 डिग्री? ये अपना आंसर है। आसान क्वेश्चन, ये 25 है तो ये 25 होगा अल्टरनेट एंगल, इस आर्क द्वारा 25 तो सेंटर पर 50, 25 तो सेंटर पर 50, स्ट्रेट लाइन 180, ये 100 है तो 80 और 80 है तो ये 40। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को आप लोग अगर कम समझ में आया है या अच्छे से समझ में आ गया तो अच्छी बातें हैं। ये कोई क्वेश्चन अगर कम समझ में आए तो दो या तीन बार कर आप लोग इसको वापस समझिए, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो अगले लेसन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, थैंक यू।